जय जोहार फ्रेंड्स, मैं रोमा मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज बिगनर्स मन ले सिंपल पार्टी मेकअप कर रही हूँ और मोर आज कर मेकअप अच्छा लगला होले चैनल के सब्सक्राइब कर देबा। एखन तो मैं बिगनर्स मन ले ही वीडियो बनात हूँ ताकि तुहिन घर बैठ के भी सीख सकला। तो शुरू करो तो फ्रेंड्स, मैं सीटीएम पहले ही कर चुकी हूँ, तो मैं ले उठूँ डेसोनाइट लोशन। तो इन कोई भी मेडिसिन शॉप से डेसोनाइट किनेक सकाला। तो मैं हल्का हाथ से थोड़ी कुन अप्लाई करबा, ज़्यादा नहीं करबा। और मैं ये दिन कर मेकअप करो तो ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करबू, जितना हो सकेला मैं लाइट मेकअप करे कर हूँ। और यूज़ करो तो मैं कलर करेक्टर स्विस ब्यूटी कर, तो ऑरेंज कलर करेक्टर ले उठूँ मैं ऑरेंज कलर का। इके लेकर बाद में मैं फ्लैट ब्रश का माध्यम से अप्लाई करबू। देखे सकल करेक्टर हमेशा नहीं, जहाँ डार्क सर्कल रहेला डार्क जगह एरिया उस एरिया में लगाए के, जैसे आँख कर नीचे, जैसे थुथनी कर नीचे, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट रही वहाँ तुम अप्लाई करबा। इके करे कर बाद का हो कि बहुत कोई कहे ना मेकअप कर बाद काले मेकअप करिया दिशो थे, अगर तुम इनके सही तरीका से यूज़ करबा भले कर मेकअप करे कर बाद में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना घंटा भी रहा मेकअप करिया नहीं हुई। तो मैं क्या अप्लाई करो थन देखे सकल, जहाँ जहाँ मैं करिया करिया दाग है कि नहीं हुए हुए मैं यूज करो थन। अब मैं लो थन ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर के भिजाई ली हूँ। अब मैं के ब्लेंड कर ले लो करे कर बाद में। अब मैं ले थन स्विस ब्यूटी कर आईब्रो एंड जेल लाइनर। इधर में पाउडर बेस भी होएला और जेल भी होएला, तो मैं पाउडर बेस लेके करत हो। और फ्रेंड्स, तुम जब भी के अप्लाई करवा, जब भी ब्रोस के फिल करवा नहीं, तो एक बार डस्ट अप कर लेबा, झाड़ लेबा, नहीं तो का होएल कि आईब्रो नहीं धब्बा 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 हो जाएगा। तो एक बार झाड़े कर बाद में ब्लेंड करवा तो बहुत अच्छा से ब्रोस कम करवा, ब्रोस के कम करवा होले बहुत अच्छा क्लीन दिसेला। और अगर थोड़े कौन भी हिले हुने हो जाए तो कंसीलिंग कर मदद से हमें लुके ठीक कर सकता। तो मैं पहले ही ब्रश यूज़ नहीं करता, ब्रो ब्रश नहीं करो थो, काली कि मोर देखे सकल आईब्रो बहुत पतला है घना नहीं के, तो वह वजह से पहले मैं फिल कर लो, एखन मैं ब्रश करबू कम करबू ब्रोज कम करबू। तो कम करे भी गेला और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो, अहले मैं जितना है एक सकल एक साइड का देखा कर कोशिश करो थो। अब मैं ले थो क्राइलेन का पैलेट, क्राइलेन का पैलेट से ही मैं आइज बेस बनाबू, हाईलाइट करबू, कंसीलिंग करबू। तो मैं ले लो शेड नंबर 38 मोर स्किन से एक टोन लाइट है, तो 38 नंबर मैं यूज़ कर रहा क्राइलन कर। क्राइलन सुप्रा सुप्रा बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए मैं एखन आई मैं एखन ब्रोज के फिल करो थो, ये बहुत अच्छा पैलेट है, ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। मैं बहुत कम मात्रा में लेके के अप्लाई करो थो, तो देखा थोड़ी कौन भी आईब्रो नहीं हिने होने हुई रही भले को टेंशन कर बात लेके पूछा पूछी नहीं करवा। तो ये कंसीलिंग करेक्ट कर समय में ही इके करेक्शन कर लेगा। अब मैं फ्लैट ब्रश का माध्यम से ही ब्रोज के फिल करो थो, ब्रोज कर नीचे कंसीलिंग करो थो नीचे ऊपरे। इकर बाद में ब्लेंडर से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर ले लो। इकर बाद ले वो था मैं कलर सेंसर कॉम्पैक्ट पाउडर मीडियम शेड ही के। इकर बाद में पाउडर ब्रश से एक बार मैं उसके झाड़ ले लो। फ्रेंड्स, एखन मैं ले वो थोन मैपल लीफ आई शेडो पैलेट, ये प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट ठीक है, तो इनको जे भी शेडो यूज़ कर सकाला। तो मैं शेड ले वो थोन एखन जूलिया शेड, बहुत हल्का शेड ही के मोर कपड़ा का मैचिंग के अनुसार लगा थोन। और मैं इके हल्का कट क्रीज में एरिया में यूज़ करबू करे कर बाद में सेकेंड शेड ले वो थोन मैं ही के शेड ही के थोड़े कन ऊपर से डार्क कलर ही के हल्का डार्क ही के। और लेकर बाद में हल्का हाथ से के ब्लेंड करो थन। फ्रेंड्स, जब भी तुम अप्लाई करवा क्रीज एरिया के मद्देनजर रख के, जब भी तुम इनके अप्लाई करवा ना एक बार डस्ट अप कर लेबा। इकर बाद में इकर से थोड़े और डार्क शेड यूज़ करो थन एमी शेड, ये दोनों शेड से ये थोड़े कौन और डार्क ही के आउटर कॉर्नर में यूज़ करो थन।
काले कि हमें कर आई के हाईलाइट करे के लिए आउटर कॉर्नर में अप्लाई करल से और अच्छा खिल के आवेला मेकअप। तो मैं एमी शेड यूज कर लो, एमी शेड यूज करे कर बाद में अब मैं हल्का सिमरी देबो इनर कॉर्नर में। तो सिमरी ले मैं फ्लैट स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज करो तो स्काईली कलर ली के स्काईली सिमरी ही के लेकर बाद में एक यूज करो तो फ्रेंड्स जब भी तुम इनके यूज करबा तो जितना हो सके डस्ट ऑफ करबा और हल्का हाथ से ही यूज करबा और जितना अच्छा से ब्लेंडिंग करबा नहीं उतने ही अच्छा आई शेडो खिल के आवेला। देखे सकाला मैं हल्का हाथ से ही लगा था, ज़्यादा लगा कर जरूरत नहीं कि जितना लाइट यूज करबा उतने ही तुम इनके अच्छा लगे और फैला के लगाबा, एक जगह में जमा करके नहीं लगाबा, जितना अच्छा से हो सके लोके फैलाबा। अब मैं यूज करो तो उन ब्रोज बोन में के हाईलाइट ब्रोज के हाईलाइट करे के लिए स्नो कलर यूज करो थन सिल्वर में, सिल्वर कलर में ही है स्नो कलर तो वो के हाईलाइट करो थन कॉर्नर में लगाबा ब्रोज कॉर्नर में ब्रोज बोन में। अब मैं यूज करो थो उन बेस बनाए के लिए क्रायलन का नंबर से के 40 नंबर मोर स्किन टोन ही के 40 शेड ही के 40 नंबर मोर स्किन टोन में जाएला। और मैं बहुत कम मात्रा में दिन कर मेकअप ही के तो चले बहुत कम मात्रा में ही के लेबू ले कर बाद में एक फुल फेस में थोड़े थोड़े करके अप्लाई करबा। करे कर बाद में देखबा जे जे एरिया हमें कंसीलिंग कर रही सब एरिया और जब भी लगाबा नहीं नेक एरिया के ना छोड़बा, नेक एरिया में भी लगाबा, नेक में लगाबा ताकि हमें कर फेस और गर्दन एकदम बराबर लगो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर का मदद से कि मैं एखन ब्लेंड करबो। और फ्रेंड्स ब्लेंड करे कर तरीका तो हिन अगर देखबा जितना हल्का हो सके उतना हल्का यूज करबा, ज़्यादा के दबाए नहीं खे, ज़्यादा घसेक भी नहीं खे, ज़्यादा प्रेशर देबा, जितना ज़्यादा प्रेस करबा तो हिनकर सब फाउंडेशन या इनका जो भी फाउंडेशन कंसीलर इनका कलर करेक्टर सब ब्लेंडर में आ जाए। तो वही हल्का हाथ से ही अप्लाई करबा। और ब्यूटी ब्लेंडर यूज करे का तरीका अगर देखे के जाने के या सीखे के भले मुझे कमेंट करबा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ही बनाबू कि कैसे तुहिन के यूज करे, कैसे निके तुहिन यूज करबा। तो देखा था मोर बेस रेडी है। अब मैं यूज करो थो कंटोरिंग करे के लिए मैं लेवो थोन 38 शेड 38 आई शेडो में भी फिल कर रहा हूँ। तो वह सेम टोन 38 शेड के ही यूज करो थोन हाईलाइट एरिया में जहाँ जहाँ हम इनके स्किन फेस के हाईलाइट करे के टी जोन के मध्य नज़र रख के टी जोन एरिया में आई के नीचे जहाँ जहाँ हम कंसीलिंग कर रहे हैं ऑरेंज करेक्टर लगा रहे हैं से एरिया में ही हमें एखन हमें कंसीलर करो। कंसीलिंग होए कर बाद में सेम ब्यूटी ब्लेंडर का ऊपर ही हमर अप्लाई करे होइ गेलक। अब मैं इकरे ऊपर ही कंटोरिंग करबो तो कंटोरिंग शेड ले लो मैं NG1 के मैं लेके एक संगे कंसीलर और कंटोरिंग दोनों के मैं एक संगे पहले अप्लाई करबो उकर बाद मैं ब्लेंडिंग करबो ताकि सो बेस एकदम सही से बैठ जाओ केकी नज़र नहीं आओ। नहीं तो ऐसा हो नहीं बहुत कोई दूर से देखो से पूरा उभर के आवेला मेकअप उसे ऊ सब नी नज़र आवी ऊ सब नी दिसी। तो वह मैं कंटोरिंग भी एक बार में ही लगाई ले लो। लगा कर बाद में अब मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर का मदद से इके ब्लेंड करबू और धीरे हल्का हाथ से ही ब्लेंड करबू ताकि कंटोरिंग कंसीलर सब एक संगे फेस में कंटोरिंग कंसीलर सब एक संगे फेस में बैठ जाओ और केकी केकी नज़र नहीं आओ मतलब उभर के नहीं आवे सब अच्छा से। देखे सकल मैं कैसन करके अप्लाई करो तो हल्का हाथ से अप्लाई करबा फ्रेंड्स। पहले मैं कंसीलर अब कंसीलिंग करे कर बाद में अब मैं करबू कंटोरिंग एरिया के कंटोर। देखे सकाला टैप 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 करके ही तुहिन कंटोरिंग करबा कंसीलिंग करबा जितना हो सके। ब्यूटी ब्लेंडर का मतलब ही है कि क्योंकि टैप टैप मोशन में ही ओके तो इनके प्रेस करके बैठाए थे। इकर बाद मैं आओ थोन कॉम्पैक्ट में, कॉम्पैक्ट में यूज करता हूँ कलर सेंस कर कॉम्पैक्ट पाउडर मीडियम शेड ही के फ्रेंड्स। इके मैं पाउडर ब्रश का माध्यम से अप्लाई करो थोन फुल फेस में। एखन गर्मी का मौसम भी है तो पसीना बहुत आवेला आँख का नीचे आँख का एरिया में आँख का नीचे एरिया में मैं ज़्यादा लगा थोन
कारण मैं लाइनर मस्कारा नहीं लगाऊँ। आईलाइनर लगा थो मैं स्विस ब्यूटी कर ही जेल लाइनर यूज कर थो। तो फ्रेंड्स मोर मेकअप करे का तरीका तुम इनके अच्छा लगोते होले लाइक करबा शेयर करबा और बेल आइकन के हिट करे के लिए ना भूलाबा। कोई भी मोर नया वीडियो आवी होले तो इनके नोटिफिकेशन भेटाई। अब मैं जितना हो सकेला धीरे से करके अब मैं धीरे हल्का हाथ से एक आईलाइनर के लगाता हूँ। फ्रेंड्स बहुत लंबा वीडियो हुई जाए चाहे मैं एक साइड का ही देखा के कोशिश करो थो अगर देखे सकल मैं हल्का हाथ से ही सेम लाइनर के ही काजल अप्लाई करो थोन तो मोर एक ही ठो में आईब्रो भी हुई गला और काजल भी हुई गला और लाइनर भी हुई गला। अब मैं अप्लाई करो थोन मेबलिन पर मस्कारा। मस्कारा निकला का तरीका फ्रेंड जब भी तो निकलाबा तभी एक राउंड मोशन में ही निकलाबा ताकि ड्राई नहीं हुई, नहीं तो कभी हुए कि हमें अगर डायरेक्ट निकलाएं नहीं तो बहुत जल्दी ड्राई ही जल मस्कारा। तो मैं मस्कारा अप्लाई करो थोन मैं डुप्लीकेट लैशेस यूज नहीं करो थोन। अब स्मॉल फ्लैट ब्रश कर मदद से मैं सेम एमी शेड यूज करो थोन आइकर नीचे जहाँ मैं काजल लगा रहा हूँ ठीक काजल का नीचे मैं ओके हल्का हल्का करके ओके ब्लेंड कर करके मैं पेंसिल ब्रश का मदद से स्मॉल ब्रश का मदद से मैं ओके अप्लाई करो थोन। अब मैं लास्ट जो ब्रोज में स्नो लगाए रहोन सिल्वर कलर का वही के मैं एक इनर कॉर्नर में आँख के हाईलाइट करे के लिए हल्का प्रेस कर करके ओके मैं लगाबो। इधर से का होला आँख थोड़े कुन उभर के आवेला आई शेडो उभर के आवेला। अब मैं जो एक्स्ट्रा पाउडर रहे से के मैं डस्ट ऑफ कर दो थन झेर लो थन फ्रेंड। अब मैं डस्ट ऑफ करे कर बाद में यूज करबू ब्रोंज। ब्रोंज मैं स्विस ब्यूटी कर ही यूज करो थन हल्का हाथ से ही यूज करबा। अब मैं लो थन हाईलाइटर मैं मेबलिन कर यूज कर हूँ। मेबलिन कर क्रोम बाय फेस स्टूडियो कर ही के नाक एरिया में ब्लेंडिंग ब्रश हाईलाइट ब्लेंडिंग ब्रश कर मदद से अब मैं हाईलाइट सीजोन में करबू सीजन एरिया बनाई के ही यूज करबू। फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर हाईलाइट यूज नहीं करूँ काले कि मोर स्टार्टिंग वीडियो में देखला हुई मेकअप से पहले मोर स्किन में बहुत ज़्यादा मासा है छोटे छोटे नट्स है तो मैं हाईलाइट यूज नहीं करूँ लेकिन तुम्हें के देखा के लिए और सिखाए के लिए मैं आज यूज करा थो तो मोर हाईलाइट भी कम्प्लीट हो गया सीजन के मद्देनजर। अब मैं यूज करो थो ओरिफ्लेम कर फिट मेकर ब्लशर पिंक ब्लशर ली हूँ लाइट यूज करबू बहुत ही ज़्यादा लाइट काले की दिन कर ही के तो ज़्यादा डार्क कर एक भी अच्छा नहीं लगे बहुत लाइट लेके कम से लेके डस्ट ऑफ करके ओके मैं ये अप्लाई कर लूँ। अब मैं ले था स्विस ब्यूटी कर लिप लाइनर मैं अप्लाई करो थो सब स्टार्टिंग जब भी करबा बीच से ही स्टार्ट करबा और वी शेप बना के ही करबा और लिप लाइनर की ही मैं एज अ फर्स्ट में अप्लाई करूँ लिपस्टिक काले की मोर मैट लिपस्टिक ही के तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और दिन कर ही के बहुत ज़्यादा देर तक रखे खेक चढ़े एक हम मैं स्विस ब्यूटी कर ही लिपस्टिक अप्लाई करो थे हल्का